बीते 27 सितंबर को थाना चोरड़िया क्षेत्र के केला डांडी गांव में एक मस्जिद की दीवारों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया था और मस्जिद में रखी कुरान शरीफ को भी फाड़ दिया गया था। अब लगातार वहां गांव के मुस्लिम समाज के लोगों को टारगेट कर वहां के हिंदू समुदाय के लोग गालियां दे रहे हैं और गांव छोड़ने की बात कह रहे हैं। इसी को लेकर भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए एसएसपी ऑफिस पहुंचकर ज्ञापन देते हुए कार्रवाई की मांग की है। एसएसपी ऑफिस पहुंचे केला डांडी के रहने वाले किदा हुसैन का कहना है कि जिस दिन ये घटना हुई थी वो दिन जुमे का था। सभी गांव के मुस्लिम समाज के लोग दूसरे गांव में जुमे की नमाज अदा करने गए थे। इसी बीच खुराफाती लोगों ने मस्जिद की दीवार को तोड़ दिया। दरअसल पिछले कुछ समय से केला डांडी में बनी मस्जिद में नमाज नहीं हो रही थी। विवाद होने की वजह से एसएसओ चुलड़िया ने ये कह दिया था कि सावन बीतने के बाद इस पर फैसला करेंगे, मगर कोई फैसला नहीं हो पाया। उससे पहले ही मस्जिद की दीवार को तोड़ दिया गया। ये 27 तारीख को शाम के वक्त जो लगभग 20 से 25 30 साल पुरानी मस्जिद है, गांव ये थाना कुलेड़िया है, उसका गांव है केला डांडी, उसमें 27 तारीख की शाम को कुछ खुरापातियों द्वारा एक जो मस्जिद है, मस्जिद में पहले सबसे पहले दीवार गिराई गई और उसके बाद मस्जिद के अंदर तोड़फोड़ की गई और वहां पर जो कुरान पाक वहां पर रखी हुई थी मस्जिद के अंदर उसको भी वहां पर फाड़ा गया। तो ये वहाँ पर बाहरी जो लोग हैं उनके निर्देशों पर ये सारा काम वहाँ पर किया गया। जब उसके बाद पुलिस वहाँ पर आई और पुलिस ने कुछ खुराफातियों को चिन्हित करके पुलिस लेके गई, तो वहाँ पर जो विधायक हैं डॉक्टर एमपी आर्य, स्थानीय विधायक हैं नवाबगंज के, उनके द्वारा वहाँ धरने पर बैठ गए थाने पर और उन लोगों को पुलिस पर दबाव डाल के छुड़वा लिया गया, जो कि गलत है। वहाँ पर उन खुराफातियों के खिलाफ ना तो पुलिस ने कोई मुकदमा किया, सिर्फ 50,000 के मुचलके पे पाबंद करके उनको छोड़ दिया गया, जो कि सरासर गलत है। संविधान धार्मिक आज़ादी देता है, धार्मिक रूप से हम अपने वहाँ पर किसी भी त्यौहार को अपनी धार्मिक उपासना हम कर सकते हैं, पर उसके बावजूद भी वहाँ पर पुलिस ने विधायकों के सत्ता पक्ष के लोगों के दबाव में वहाँ पर गलत काम करवाए। वहाँ पर हमारी मांग ये है, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी ये मांग करती है कि सबसे पहले जो वहाँ पर पुलिस ने मुकदमा कायम नहीं किया है, जो आज यहाँ पर मस्जिद के सचिव आए हुए हैं फिदा हुसैन जी, फिदा हुसैन ने एक तहरीर दी है, उस तहरीर के आधार पर वहाँ मुकदमा पंजीकृत किया जाए और साथ ही साथ में जो जितने भी खुराफाती हैं जिन्होंने भी इस कृत्य को किया उन पर मुकदमा लिखकर उनको जेल भेजने का काम करें। फिदा हुसैन, क्या मामला है? पूरी बात बताएं। पूरी बात ये कि हम लोग जो जुमे की नमाज़ पढ़ने के लिए कुलिया गए थे, हमारे पीछे जो है हमारे गांव के ही जो है हिंदू समाज के लोगों ने वहां पर आकर के हमारी जो मस्जिद पहले से ही चली आ रही है जिसमें हमें थोड़ी सी रोक दिया गया था, इसलिए नमाज़ पढ़ने चले गए थे वहाँ कुलिया में। फिर उसके बाद उन लोगों ने उसको दीवार गिराई, उसके अंदर तोड़ फोड़ की है और हम लोगों के लिए गालियाँ वगैरह भी दे करके, जब तक पुलिस डिपार्ट पहुँच गया हम लोग आए, जब तक पुलिस डिपार्ट वहाँ मौजूद था तो जो हाँ जो दीवार जो तोड़ी गई थी जब हम आए थे तो पुलिस ने थोड़ी सी उठवा दी, अभी कुछ खुली हुई भी पड़ी है जिससे हमें दहशत भी है कि उसके अंदर कोई चीज़ बाहर से फेंक सकते हैं, लिहाजा हमारी वो दीवार पूरी करा दी जाए। और क्या मांग करते हैं? और ये मांग करते हैं जिन लोगों ने ये हमारे ये मस्जिद वगैरह गिराई है, दीवारें गिराई हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, मुकदमा दर्ज किया जाए। लोग थे, कहाँ के लोग थे? केला डांडी के ही लोग थे। जी जी, क्या पहले से विवाद चल रहा है उस मस्जिद को लेकर? नहीं, 3 महीने पहले जो है उन्होंने तहरीर दे करके तो उसमें रोक कराई थी बस।